अरे भाई जो तुम्हारा आ रहा होगा सही आ रहा होगा, मतलब ये कह रहा हूँ इतना खुद भरोसा रखो ना, क्या है इसमें। के पेपर में ए लिया था, इसलिए पूछ रहा कि वहां पे करेक्शन नहीं हो सकता ना। एफ एक्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 पे, एक्स प्लस ए होल क्यूब मोर देन 0 पे, कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ ए, एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ ए, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ ए। क्यों तुम्हें लग रहा है एग्जैक्टली 1 वैल्यू पे होना चाहिए? ये जैम का पीवाई क्यों तो नहीं लग रहा मुझे? ये जैम का पीवाई क्यों है? ये तो नहीं लग रहा मुझे। एमए का इसे में ओरिजिनल पेपर जैसे देखो, कई बार कोचिंग कोचिंग वाले कोई लोग गलती टाइप हो जाता है, ओरिजिनल पेपर देखो उसमें देखो क्या है, इसमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। एक मिनट, यहाँ क्या है, एक में मोर देन 0 ना, देखो ये डबल डेरिवेटिव है 0 पे, सो दिस इज एक्चुअली ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखो इक्वेट करो इसको। मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन, इसमें मतलब क्या तुम्हें डाउट आ जाता है भाई? जो तुम्हारा आंसर है वही सही होगा, इसमें क्या ही मैं नया करूँगा। ये चीज़ें हैं, एक्सटेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में जी एक्स क्या है मेरा, तो 3 टाइम एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 0 पे क्या है, तो 0 कहाँ पे है, हम लोग किसको रख रहे हैं, 0 रखेंगे एक्स को, तो वहाँ हो जाएगा 2a, ये आ जाएगा एंड अपॉन एक्स। अभी इसको ओपन करो जरा, क्या होगा, एक्स को 0 रखोगे तो अभी क्या होगा, अभी तुमने अगर एक्स को 0 रख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं 3a² माइनस 2a अपॉन तो एक्स हो जाएगा ना। तो अभी लेकिन अगर ऐसा हुआ कहीं पे ये इक्वल हो सकता है दोनों, 3a² 2a के इक्वल कब होगा, या तो ए 0 हो जाए या फिर 3a = 2 हो जाए, तो या तो ए 0 हो जाए या ए 2/3 हो जाए, तो क्या होगा सोचो।
अब सोच के देखो, डज नॉट एग्जिस्ट कब है? तुम क्यों बोल रहे हो डज नॉट एग्जिस्ट है? क्योंकि लेकिन अगर ए को मैं जीरो पहला ही रख दूं, ए को जीरो रख दूं, तो क्या होगी लिमिट? जीरो बाय सो अगर ए जीरो रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3x² बाई x, तो आंसर इसका जीरो आएगा। अगर ए को मैंने 2/3 रख दिया, तो चेक करो क्या होगा, सिंप्लीफाई करके। तभी आई थिंक जीरो ही आएगा, चेक करके देखो क्या आएगा, जीरो आएगा। ए को 2/3 रखो, इसको ओपन करो एंड देन लिमिट निकालो 2/3 रख के। टू बाई थ्री आया था ना, 3a² इज 2a, 3a² इज 2a। हाँ, इक्वल कर दिया मैंने। फोर इनमें जो भी है इसको देखो, बाकी में डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, अदरवाइज ऐसे ही मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट हो गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई? तो लेफ्ट हैंड माइनस वैल्यू एट जीरो, और जीरो पे तो वही है। वो डिफरेंशिएबल कब होगा पहले ये भी चेक करना था, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल कब होगा? क्या हमेशा डिफरेंशिएबल है? तो यहाँ से इधर टू आ गया, तो मैच तो किया ही नहीं तुम्हारा। यहाँ चेक करो ये कितना आएगा, फिर तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा इसका मतलब। अगर ऐसा है तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। आंसर की में क्या दिया है? दिया हाँ, तो इसका मतलब यही है अगर ऐसा है तो। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? राइट लेफ्ट हैंड, भी आ तो ये तो कभी टू तो आ ही नहीं रहा ना, अगर मैच करता तभी तो हो सकता था। देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है? नहीं, हाँ, तो कित तो कैसे तुम्हें बी लग रहा है बताओ? मैंने एक को 1/3 पुट किया तो एक बार आ रहा था। अभी तो नहीं आ रहा ना। को 1/3 पुट किया तो एक बार आ रहा था, तो फॉर एक 1/3 पुट किया 1/3 पे कैसे इक्वल आ रहा है? 1/3 पे इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा और इसका आंसर टू आएगा, कैसे इक्वल आ रहा है? ठीक है, यही करेक्ट होगा, बाकी लोगों को चांस दो। ठीक है, तुम्हारा आंसर।